टॉप 5 बेस्ट स्टाइलिश स्मार्टफोन अंडर 16,000। तो भाई अगर आपका बजट 60,000 है, 60,000 के बजट में आप एक स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, इसके ऊपर मत करना, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन टॉबिनॉज, वेलकम टू दी ऑजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चालू कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज, स्टार्ट करते हैं सीधी बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूँ। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है OnePlus 8 Pro को। तो यार अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको कैमरा तो तगड़ा मिल ही जाता है, प्लस आपको एक स्टाइलिश प्रीमियम कलर में देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, उसके साथ साथ आपको तगड़ा कैमरा चाहिए, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। आपको बैक कैमरे में 4K ऑप्शन मिल जाता है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इंटरनेशनल क्रिएटर्स के पास ये स्मार्टफोन नॉर्मली देखने को मिल जाता है। अगर आपने सर्च आउट करना है आप सर्च आउट भी कर सकते हो, अगर आपने डीपली देखना है आप देख सकते हो। इसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं चेक आउट किया था OnePlus 8 Pro को, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप चेक आउट कर लेना, आपको पसंद आने वाला है। तो यार अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करो आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ भेजता है, बहुत तगड़ा है। अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है आप कर सकते हो। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करो आपको 4510mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 30W का फास्ट चार्जर। कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिस पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूँ आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बातों को 50,000 के बजट में OnePlus 8 Pro देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्लास पैक के साथ देखने को मिलता है, प्लस आपको एक प्रीमियम स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। तो भाई अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे बहुत फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि आपकी वीडियोज़ होगी, फोटोज़ होगी, उसको बहुत आगे तक लेकर चल जाते हैं। ये आप पर हैं कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 की बात करूँ या नंबर 4 पर मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। इसको रखने का नंबर 4 पर एक रीज़न है। सबसे पहले तो इसका प्राइस, ठीक है, आपको ये 40,000 से लेकर आपको 45,000 के बजट तक देखने को मिल जाता है, तो इसका प्राइस बहुत सही है। उसके बाद आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है, आपको इसके कलर वगैरह लुक वगैरह बहुत पसंद आने वाली है। प्लस इसका भी कैमरा बहुत तगड़ा, आपको बैक कैमरे में 8K ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, आपके लिए तो बेस्ट डील हो सकती है। प्लस भाई अगर आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, आपके लिए भी बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है। प्रोसेसर भी आपको बहुत तगड़ा मिल जाता है। उसके बाद सैमसंग के स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले होती है वो तो तगड़ी मिल ही जाती है, सभी को पता है। उसके साथ साथ भाई सैमसंग का प्राइवेसी सिस्टम भी बहुत तगड़ा है। अगर आपने फोटोज़ होगी, वीडियोज़ होगी, डॉक्यूमेंट होगी अपनी प्राइवेसी में रखना चाहते हो, तब भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपका बजट कम है, मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ किसी और स्मार्टफोन की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE आपके लिए गुड डील हो सकता है। इसका लिंक मैंने दिया हुआ, अगर आपने चेक आउट करना है आप चेक आउट कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिया था कि इसका डिस्प्ले बहुत तगड़ा होने वाला है। प्रोसेसर की बात करूं आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है, प्लस आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। उसके बाद ये प्रोसेसर जो है वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज, प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 1TB तक, ठीक है। बैटरी की बात करूं आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 25W का फास्ट चार्जर, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, प्लस आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है, जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैक कैमरे में आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट आ जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के भी बता दिए। ये स्मार्टफोन भी आपको सच में पूरा लोडेड मिल जाता है, कम प्राइस में आपको तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं, तगड़े स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, एक स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है, कैमरा बहुत तगड़ा मिल जाता है। अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, सिनेमैटिक शूट करना है, रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, एक बार आप चेकआउट कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ या नंबर 3 पर यार मैंने फिर से रखा है सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन। बात कर रहा हूँ मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस
की अगर स्मार्टफोन की बात करूँ, आपको कलर, डिज़ाइन, लुक वगैरह बहुत पसंद आने वाली है। उसके बाद कैमरे की बात करते हैं। सबसे पहले आपको 8K वीडियो ऑप्शन बैक कैमरे में इसमें भी मिल जाएगा, 4K ऑप्शन आपको फ्रंट में इसमें भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको एक स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। ये प्रीमियम डिज़ाइन में देखने को कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। आपको 50,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस नॉर्मली ईजिली मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया था, इसको चेक कर लेना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.7 इंच डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर की बातों को एक्सनॉक्स 990 देखने को मिल जाता है, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाते हैं प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। प्लस कैमरे की बातों को क्वाड कैमरा शैडो मिल जाता है, 64MP प्लस 12MP प्लस 12MP प्लस 2MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 10MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 48,999 के बजट में मिल जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस के भी बता दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको रिकमेंड ही करना चाहता हूँ, तो भाई अगर आपने अभी तक इस स्मार्टफोन को नहीं चेकआउट किया था, आप चेकआउट कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, या नंबर टू पर मैंने रखा है MI 11 को। तो सबसे पहले तो यार ये स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइलिश डिज़ाइन मिल जाता है। उसके बाद आपको मतलब इसका कैमरा वगैरह भी बहुत तगड़ा मिल जाता है। भाई अगर मैं बात करूँ, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है आपके लिए भी परफेक्ट डील, अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकता है। प्लस आपको कैमरा एप्लीकेशन में ऐसे कई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, आपकी फोटोज, आपकी रील्स, आपकी टिकटॉक को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। MI ब्रांड का जो कैमरा होता है, सभी को पता है कि आपको तगड़ा वगैरह मिल ही जाता है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, आपको 108MP के साथ कैमरा मिल जाता है बैक साइड में। फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन भी नहीं मिलता, जो कि सच में थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे आते हैं, बट ब्लू कलर में मुझे ज़्यादा सही लगा था। अगर आपने लेना है तो ब्लू कलर में देख लेना। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.81 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूं, आपको स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। प्रोसेसर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर आपने हाई ग्राफिक पे गेमिंग भी करनी है ना, तो आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस 2 वेड में देखने को मिलेगा 8GB 12GB एंड 3 वेड में आपको देखने को मिलता है स्टोरेज के, ठीक है। जो भी बजट में सेट बैठता है आप उसके जा सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 4600mAh की बैटरी मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाती है, प्लस आपको 55W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 20MP के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो यार अभी मेन स्पेसिफिकेशन में आपको MI 11 के भी बता दिया। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। इसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर वन पर मैंने रखा iPhone 11 को। तो सभी बंदों को पता है जो iPhone का डिज़ाइन होता है या कैमरा होता है वो कितना तगड़ा आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, पोर्ट्रेट लेने हैं, उसके बाद भाई अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनानी है, आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, प्रीमियम कलर चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है iPhone 11 भी। आपको तगड़ा प्रोसेसर भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, आपके लिए भी बेस्ट डील हो सकता है। आप जा सकते हो iPhone 11 की ओर, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बातों को 832 चिपसेट मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 4GB रैम मिल जाते हैं प्लस 64GB स्टोरेज। इसके 3 वेरिएंट आते हैं, 64GB, 128GB, 256GB। जो आपको 60,000 के बजट में स्मार्टफोन मिलेगा ना, वो आपको 128GB स्टोरेज के मान मिलेगा। जो आपको 50,000 के बजट में मिलता है, वो आपको 64GB स्टोरेज के देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूँ, आपको 3110mAh की बैटरी मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बातों को डुअल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूँ, आपको 12MP की सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ, इसका जो 64GB वेरिएंट है वो आपको 50,000 के बजट में मिल जाता है। जो 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो आपको 60,000 के बजट में मिल जाएगा। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 स्मार्टफोन बता दिए, जो कि पूरे ही आपको स्टाइलिश देखने को मिल जाते हैं। अभी बात करते हैं, अगर मेरा बजट 60,000 होता ना, तो भाई मुझे एक स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए होता तो मैं जाता
आईफोन 11 की ओर या फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस की ओर या फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की ओर। इनका जो डिज़ाइन है, जो प्रोसेसर है, जो कैमरा है, जो डिस्प्ले है, जो कलर्स है, वो सच में बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपने भी इन स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को पहले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पर कर फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, उसको चेकआउट कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।